नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग मतलब रख रखाव। तो हाउसकीपिंग के बारे में अब तो सब लोगों को पता ही होगा हाउसकीपिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम हाउसकीपिंग का डेफिनेशन समझते हैं कि हाउसकीपिंग क्या होता है। तो हाउसकीपिंग का मतलब होता है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। इसका मतलब हो कि सभी सामान को रखने के लिए एक जगह होना चाहिए तथा सभी सामान अपने जगह पे होना चाहिए। जैसा कि हम लोग साइट पे काम करते हैं, काम करने के दौरान हम लोग कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे प्लाई हो गया, स्टील हो गया, इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी उसमें से स्क्रैप निकलते हैं। जब भी हम लोग स्टील लेके आते हैं फुल लेंथ का, तो उसमें से कुछ कट करके जो हम काम में लगाते हैं, बाकी का उसमें से जो स्क्रैप निकलता है उसको हमको स्क्रैप बोलते हैं। दूसरा, प्लाई जो हम लोग यूज़ करते हैं साइड पे, चाहे ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको यूज़ करते हैं, तो पूरा लगता नहीं है, जिसमें से कटने के बाद में स्क्रैप निकलता है तथा डेब्रिस होता है। तो इस प्रकार के अनवांटेड मटेरियल्स को रखने के लिए एक जगह होना चाहिए, जो कि उस अनवांटेड मटेरियल को, उस स्क्रैप को हम उठा के उस जगह में रखें, ताकि हमारा जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वो साफ सुथरा रहे, ताकि हमारा काम करने में मन लगे। हाउसकीपिंग करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि काम करने में मन लगता है। अगर हमारा जो वातावरण है, जो हमारा कार्यस्थल है, वो अगर साफ सुथरा रहेगा तो काम करने में मन लगेगा और आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, मतलब हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर उसी जगह में हमारा कार्यस्थल सुरक्षित नहीं रहा, साफ़ सुथरा नहीं रहा, उस जगह में स्क्रैप पड़े रहे और भी दूसरे मटेरियल पड़े रहे, तो उसके ऊपर से अगर चल के अपने को जाना है, चाहे एक दूसरे जगह से मटेरियल शिफ्ट करना है, तो उस टाइम में अपने को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी स्क्रैप के ऊपर से चढ़ के पैर रख के जाते हैं, उसी दौरान उसमें से फिसल के गिरने का चांसेस रहता है, स्लिप ट्रिप हजार्ड रहते हैं उस टाइम में, जिसे अपन काम करने के दौरान गिर जाते हैं तो अपने को चोट लग जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब भी हम लोग काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें से जो निकला हुआ स्क्रैप है उसको स्क्रैप वाली जगह में रखें तथा अपना आने जाने का जो एक्सेस है, रास्ता है, उसको पूरी तरीके से क्लीन रखें। हमारे साइट पे, हमारे कार्यस्थल पे हाउसकीपिंग को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम साइट पे काम करने के लिए आते हैं, तो काम करने से पहले हम हाउसकीपिंग करें तथा काम बंद होने के तुरंत बाद हाउसकीपिंग करके ही अपने कार्यस्थल से प्रस्थान करें। तो इस प्रकार से हम हाउसकीपिंग के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जो हम लोग हाउसकीपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउसकीपिंग कोई नया चीज़ नहीं है, ये हमको हमारे घर से ही देखने के लिए मिलता है, या हम लोग घर पे भी हाउसकीपिंग करते हैं। जैसे कि कभी भी हमारे घर के दरवाजे के सामने कुछ सामान नहीं रखा जाता है, अगर कुछ सामान रख दिया गलती से, तो उसको हम आते जाते तुरंत उसको हटाते हैं, क्योंकि हमारा आने जाने का रास्ता है। या फिर सुबह शाम अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, घर में औरतें झाड़ू लगाती है, सुबह शाम झाड़ू लगाती है, जिससे कि अपना हाउसकीपिंग मेंटेन किया जा सके। उसी प्रकार से हम अपने कार्यस्थल पर भी काम करने से पहले हाउसकीपिंग करें तथा काम करने होने के तुरंत बाद कार्यस्थल को छोड़ने से पहले हाउसकीपिंग करके जाएं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग दूसरे विषय के ऊपर में डिस्कस करेंगे तथा उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।